ऑलराइट गाइस, सो अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सीएसएस क्या होती है, सीएसएस को क्यों यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग इससे आगे की चीज़ को देखेंगे और देखेंगे कि सीएसएस को किस तरह से एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करने के वाला हूँ, सारी की सारी फाइल्स बंद कर दूंगा, एक नई फाइल बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा tut13.html। उसी के साथ साथ मैं क्या करूंगा, tut13.html रखने के साथ साथ अपनी HTML की बॉयलर प्लेट लगा दूंगा। जी हाँ, बॉयलर प्लेट। और HTML की बॉयलर प्लेट को लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा CSS ट्यूटोरियल। ठीक है, बढ़िया। अब CSS ट्यूटोरियल मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं आप लोगों को वो तरीके बताऊँगा जिसकी मदद से हम CSS को अपने पेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक harry.css बनाई थी, और मैंने यहाँ पर एक harry.html बनाई थी और harry.js बनाई थी। जावास्क्रिप्ट में अभी हम नहीं आएंगे, सिर्फ HTML और CSS का लिंक देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर harry.html बंद कर दूंगा, harry.css भी बंद कर दूंगा, जस्ट बिकॉज ये tut13 है इसलिए मैं tut13.css बनाऊंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखूंगा, और पैराग्राफ से पहले हेडिंग लिख लेता हूँ, दिस इज CSS ट्यूटोरियल। और उसके बाद एक पैराग्राफ लिखूंगा, दिस ट्यूटोरियल विल टीच यू एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट HTML CSS। ठीक है, तो ये मैंने लिखा अभी यहाँ पर, उप्स मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं, गो लाइव करूँगा। गो लाइव करके मेरा जो VS Code का लाइव सर्वर है वो चल जाएगा, और मेरी जो ये फाइल है ये लाइव यहाँ पर खुल जाएगी। तो कुछ भी मैं चेंज करता हूँ तो यहाँ पर मुझे वो चेंज बिना रिलोड के रिफ्लेक्ट करके मिलेगा। प्रिटी मच यही करती है ये एक्सटेंशन। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इनलाइन CSS। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि तीन तरीके होते हैं CSS को इम्प्लीमेंट करने के किसी भी HTML में। तो एक तो मैंने यहाँ पर देखा था, आप लोगों को बताया था स्टाइल। तो अगर मैं यहाँ पर स्टाइल में कुछ ऐसे कर दूँ, अगर मैं कहूँ स्टाइल कलर और रेड, और मैं सेव कर दूँ, तो आप लोग यहाँ पर देखो इसका कलर रेड हो गया, यानी कि मैंने सिर्फ एक लाइन में CSS लिख के इसके स्टाइल को चेंज कर दिया। और आप लोगों को अभी के लिए ये लग सकता है कि ये बेस्ट तरीका है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये बेस्ट तरीका नहीं है। और बेस्ट तरीका ये क्यों नहीं है इसके बारे में बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि अगर आप लोगों ने बिल्कुल इनलाइन CSS का इस्तेमाल करके पूरी स्टाइलिंग लिख दी तो आपकी HTML इतनी मैसी हो जाएगी कि आप लोग खुद ही नहीं संभाल पाएंगे। तो अभी के लिए मेरी बात माने, और मैं कहूँगा कि सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल CSS का ही हम लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनल CSS पे आते हैं। तो ये थी हमारी इनलाइन CSS की, एक ही लाइन में लिख डाली CSS और प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अब मैं यहाँ पर एक काम और कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी लगा सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर मान लो मैंने येलो कर दिया, तो मैं कितनी भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लिख सकता हूँ एक ही लाइन में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और ये देखो इसका बैकग्राउंड कलर जो है येलो हो गया। और उसी के साथ साथ मैं और भी चीज़ें कर सकता हूँ इसमें, बट मैं आऊँगा नहीं उनमें अभी। मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को एक अगली स्टेप पर लेकर चलूँगा, और मैं कहूँगा कि आप हेड के अंदर स्टाइल टैग ऐड करो कुछ इस तरह से। तो मैंने स्टाइल लिखा तो यहाँ पर स्टाइल टैग मेरा ऐड हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सेलेक्टर लगाऊंगा, मैं कहूँगा पैराग्राफ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा पैराग्राफ, और उसके बाद मैं लिखूँगा कलर ब्लैक। ठीक है, मैंने लिख दिया पैराग्राफ का कलर ब्लैक। अब एक जगह मैं कह रहा हूँ कलर रेड, एक जगह मैं कह रहा हूँ कलर ब्लैक। आप लोग कहेंगे इन दोनों में से कौन सी इफेक्ट में आएगी, कौन सी वाली जो CSS है वो ये लेगा। तो यहाँ पर आप देख लो जवाब, ये क्या करेगा, ये इनलाइन CSS को ही ज़्यादा महत्व देगा। ठीक है, तो इनलाइन CSS को इंटरनल CSS से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन अगर मैंने इनलाइन CSS हटा दिया से, तो मैं हटाऊंगा नहीं, बेसिकली मैं कमेंट आउट करूंगा। और कमेंट आउट करने से पहले मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ, और कमेंट आउट मैंने कर दिया। अब मैं सिर्फ इसका स्टाइल टैग हटा दूंगा, और अब देखो आप लोग यहाँ पर जैसे ही मैंने स्टाइल टैग इसका हटाया तो इसका कलर ब्लैक हो जाना चाहिए, और ये देखो इसका कलर ब्लैक हो गया। अब कलर तो ब्लैक इसका ऑलरेडी था ही था, तो एक काम करते हैं इसके कलर को कुछ और कर देते हैं, पर्पल कर देते हैं। ठीक है, और इसके कलर को अगर मैंने पर्पल कर दिया तो यहाँ पर देखो इसका कलर पर्पल हो चुका है, और आप लोग समझ गए कि किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो ये थी हमारी इंटरनल CSS। अब एक्सटर्नल CSS क्या है, अब एक बात और आपको बताना चाहूँगा, मैं और प्रॉपर्टीज भी ऐड कर सकता हूँ। तो मैं बैकग्राउंड कलर अगर मान लो मैं कर देता हूँ सी ग्रीन कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, तो मुझे देखने को मिल जाएगा वो भी। ठीक है, देखो यहाँ पर सी ग्रीन मिल गया, ऑब्वियसली अच्छा नहीं दिख रहा ये, बट अगेन मैं सिर्फ यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों को। अभी मैं बिल्कुल भी एक ब्यूटीफुल वेबसाइट बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक स्टाइल शीट ऐड करेंगे, और वो स्टाइल शीट भी हम कहाँ ऐड कर सकते हैं, वो स्टाइल शीट भी हम लोग ऐड कर सकते हैं
कुछ इस तरह से लिंक लिखेंगे और कोलन सीएसएस लिखेंगे और ऑटोमेटिकली देखो हमारा ऑटो कंप्लीट हो चुका है एमेट की मदद से, और हम कोई भी स्टाइल डॉट सी एस एस नाम की सी एस एस शीट लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ट्यूट 13 डॉट सी एस एस नाम की एक सी एस एस फाइल बनाऊँगा, जो कि मैं यहीं पर बनाऊँगा ट्यूट 13 डॉट सी एस एस, और इसके अंदर मैं लिखूँगा कि जी पैराग्राफ का जो कलर है वो कर दो। कौन सा कलर करूँ, वो कलर मैं कर देता हूँ, हाँ ये कर देता हूँ, ग्रीन येलो कर देता हूँ। ठीक है, सेव किया मैंने इसको, तो आप लोग देखो जैसे ही मैंने इसको सेव किया देखो इसका ग्रीन येलो कलर हो गया। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो एक्सटर्नल शीट होती है वो प्रेसिडेंस लेती है आपकी जो इंटरनल सी एस एस है उससे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है। मैंने ये जो लिंक डाला था, ये जो स्टाइलिंग डाली है मैंने, वो जो ट्यूट 13.css का कंटेंट है उसको लेकर यहाँ पर ले आएगा। तो ये लिखना या फिर इस कंटेंट को कॉपी करके मैं यहाँ लगा दूँ, बात बराबर है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये चीज़, और आप लोग जो है यहाँ पर, मैं वापस इसको ऊपर ले आता हूँ, इस चीज़ को भी समझ गए होंगे कि जो 213.cs मैंने बनाई है, css बनाई है, वो मुझे यहाँ पर इसको इंक्लूड भी करना पड़ा बनाने के साथ साथ। और इसमें जो जो प्रॉपर्टीज़ मैं ऐड करूँगा, जैसे मान लो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ, क्या लगाऊँ बैकग्राउंड कलर, हॉट पिंक लगा देता हूँ। और वी एस कोड बहुत मदद देता है आप लोगों को यहाँ पर सारे कलर सेलेक्ट करने में, और ये देखो हॉट पिंक यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर यही बैकग्राउंड कलर हॉट पिंक मैंने वहाँ पर लगाया होता, अगर यहाँ पर मैं इसके कलर को चेंज करके कुछ ऐसे कर दूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इस पर सिर्फ होवर करूँ तो मुझे एक ये पिकर मिल जाता है और मैं आराम से कोई भी कलर इससे सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को इंटरनल सी एस एस, एक्सटर्नल सी एस एस और इनलाइन सी एस एस क्या होती है। अब यहाँ पर गाइस होता ये है कि अगर आप लोगों ने कोई सी एस एस बाद में लिखी है तो वो प्रेसिडेंस ले लेती है। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, मैंने अपनी जो ट्यूट 13 सी एस एस है वो मैंने यहाँ पर रखी हुई है, और इसके बाद मैंने कलर दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, अब देखना आप लोग यहाँ पर क्या होगा। मैंने यहाँ पर ये खोला हुआ है साइड बाय साइड, और मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या किया, कलर ग्रीन येलो दिया है लेकिन बैकग्राउंड कलर हॉट पिंक दिया है, लेकिन ये आ नहीं रहा है। देखो कलर मेरा ग्रीन येलो नहीं आ रहा है और बैकग्राउंड पिंक भी नहीं आ रहा है मेरा बैकग्राउंड। लेकिन अगर मैं इसको नीचे ले आता हूँ स्टाइल शीट को, ठीक है, मैं नीचे ले आया, मैंने सेव नहीं किया है अभी सेव नहीं किया है। देखो यहाँ पर अभी क्या है, ग्रीन है बैकग्राउंड, लेकिन सेव करूँगा तो बैकग्राउंड देखना क्या हो जाएगा। सेव किया मैंने, ये देखो बैकग्राउंड पिंक हो गया। तो जो चीज़ बाद में लिखी हुई है वो ज़्यादा ऑर्डर लेती है, और यहाँ पर आप लोग जो है ये चीज़ को ध्यान में रखना कि जो चीज़ बाद में लिखी है आपने इंटरनल और एक्सटर्नल में से, वो जो है सबसे ज़्यादा ऑर्डर लेती है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि जो पहले वाली सी एस एस है वो ज़्यादा ऑर्डर ले ले, तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह से इम्पॉर्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, सेमी कॉलन के अंदर लिखना है ये देखो कुछ इस तरह से इम्पॉर्टेंट डाल दें। अभी इसका बैकग्राउंड कलर सी ग्रीन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने इसको इम्पॉर्टेंट कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये प्रेसिडेंस ले सबके ओवर, तो आप इसको इम्पॉर्टेंट कर दें। तो ये इम्पॉर्टेंट है, हम आगे और बात करेंगे कि कौन सी चीज़ किसके ओवर प्रेसिडेंस लेती है सी एस एस में, लेकिन अभी के लिए इनलाइन सी एस एस जो होती है वो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस लेगी। उसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल में से वो प्रेसिडेंस लेगी जो बाद में, यानी कि सबसे एंड में लिखी गई है प्रॉपर्टी, वो क्योंकि ओवरराइड कर देगी पुरानी प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर इस केस में बैकग्राउंड कलर ये और कलर ये जो है ओवरराइड कर दे रहा है, लेकिन क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट लगा दिया इसलिए ओवरराइड नहीं करेगा। ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि आगे इसको कोई ओवरराइड नहीं कर सकता। तो इंपॉर्टेंट का मतलब है कि मुझे कोई ओवरराइड नहीं कर सकता। और यहाँ पर अगर आप लोगों ने ये लिंक रेल इज इक्वल टू स्टाइल शीट करके ट्यूट 13.css इंक्लूड कर लिए, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो जिस तरह से इसमें हैं ट्यूट 13.css में, यानी कि जो कि बाद में लिखा गया है उसमें है, वैसे ही आ जाएंगी। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस चीज़ की जो इंटरनल वर्किंग है उसमें मैं कहूँगा ज़्यादा आप ना जाएं, बस इतना समझ लें कि जो ब्राउज़र होता है वो सारी की सारी स्टाइल शीट्स को एक जगह पर, सारे के सारे स्टाइल्स को एक जगह पर कलेक्ट करता है और मार्कअप को आपकी पार्स करके दिखाता है, और उसके बाद उन पर स्टाइल्स लगाता है। तो जो चीज़ बाद में आती है वो ओवरराइड कर देती है, अगर इंपॉर्टेंट टैग पुराने वालों में नहीं है तो। अगर ये इंपॉर्टेंट लगा दिया आपने तब तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यानी कि यही दिखाएगा। जैसे कि इस केस में बैकग्राउंड कलर मेरा सी ग्रीन दिखा रहा है। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तीन तरह की सी एस एस क्या होती हैं, कैसे यूज़ की जाती हैं। हम आने वाले टाइम में अभी जल्दी से सी एस एस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे कि क्या चीज़ कैसे की जा सकती है सी एस एस के अंदर। अभी के लिए मैं कहूँगी बस आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करी है तो, और इसको बुकमार्क कर लें यहाँ पर क्लिक करके और सेव कर लें यहाँ पर क्लिक करके। वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, तो इनको लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।